इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में खेले गए सेकंड T20 मैच पर हमको सूर्य कुमार यादव का जलवा देखने के लिए मिला। यदि बात करें पहले T20 की तो उस पर भी हमें सूर्य कुमार यादव का जलवा देखने के लिए मिला था, लेकिन सेकंड T20 में सूर्य कुमार यादव ने इतनी ज़्यादा धमाकेदार पारी खेली। इस वीडियो में मैं आपको इनकी पारी की पूरी हाईलाइट बताने वाला हूँ कि इन्होंने अपनी पारी में कितनी गेंदों पर कितने रन बनाए, कितने चौके मारे, कितने छक्के मारे। तो यदि बात करें सूर्य कुमार यादव की तो इन्होंने 22 गेंदों पर 61 रन की पारी खेली और इनकी पारी में हमें 5 चौके और 5 छक्के बहुत ज्यादा खतरनाक देखने के लिए मिले। इन्होंने अफ्रीकी बॉलर्स की इतनी ज्यादा धुनाई की, यहां पर इन्होंने क्रीज के चारों तरफ रन बनाए। पीछे वाले शॉट तो ये इतने खतरनाक खेल रहे थे, इनकी पारी में हमें पीछे वाले शॉट काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दिए। और यदि बात करें सामने वाले शॉट की तो सामने वाले शॉट भी इनकी पारी में हमें अच्छे दिखाई दिए और लेफ्ट साइड भी मारते हैं, राइट साइड भी, मतलब कि मिस्टर 360 जैसे ये खेल रहे थे। और इनकी पारी की मदद से टीम इंडिया का जो स्कोर है वो 200 के भी पार चला गया था। टीम इंडिया ने अच्छा खासा स्कोर कर ली थी, लेकिन इन्होंने इतनी खतरनाक पारी खेली और इन्होंने केवल 18 गेंदों पर अपनी 56 रन मारकर कंप्लीट कर ली थी। जब इनको मतलब 50 चाहिए थी तब इन्होंने 6 मारा और मात्र 18 गेंदों पर 54 रन इन्होंने बना लिए थे। और उसके बाद भी ये नवाज थे, उसके बाद भी हमें इनके बल्ले से काफ़ी ज़्यादा रन देखने के लिए मिल रहे थे। ये इनकी बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि कोहली एक शॉट मारते हैं और फील्डर उसे फील्डिंग कर लेते हैं और जो सूर्य कुमार यादव है वो रन ढूंढ जाते हैं। लेकिन कोहली जो है मतलब कि सूर्य कुमार यादव की तरफ नहीं देखते, सूर्य कुमार यादव रन ढूंढ जाते हैं लेकिन कोहली नहीं दौड़ते क्योंकि उनकी नजर उनके तरफ नहीं थी। तो सूर्य कुमार यादव क्रीज के बहुत आगे आ जाते हैं और जो फील्डर वो फील्डिंग कर लेते हैं और इस तरीके से सूर्य कुमार यादव आउट हो जाते हैं। तो इनकी बैटिंग की फुल हाईलाइट्स यही थी।